शाजापुर जिले के शुजालपुर में एक बार फिर जिला प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन का मामला आया है। यहां सिविल हॉस्पिटल से जिला मुख्यालय पर अटैच महिला डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, जबकि प्रशासन के नियमानुसार उन्हें मुख्यालय पर होना चाहिए। दरअसल ग्राम झाड़ला निवासी जच्चा बच्चा की मौत के मामले में जांच होने तक महिला डॉक्टर प्रेमलता कछोरिया को आगामी आदेश तक जिला अस्पताल अटैच किया है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर प्रेमलता कछोरिया जिला मुख्यालय पर होने के बजाय शुजालपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते दिख रही है। स्वाभाविक है कि इन्हें शाजापुर जिले में अटैच किया हुआ है तो निवास भी वही होगा, फिर यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस किस नियम के तहत की जा रही है? लगता है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन द्वारा बढ़ती जा रही नरमी के चलते डॉक्टर प्रेमलता कछुरिया की मनमानी खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में कोई भी खुलेआम प्रशासन को चुनौती देकर शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाएगा तो इन पर किसका नियंत्रण होगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शुजालपुर का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेता? आपको बता दें कि शुजालपुर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रेमलता सोनी के ऊपर आरोप लगे थे कि मृतक सपना की प्रसूति के दौरान कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही बरती थी। इसी मामले में उन्हें सजा के रूप में शाजापुर पदस्थ किया गया था, लेकिन खबर मध्य प्रदेश ने एक स्टिंग में साफ दिखाने का प्रयास किया है कि डॉक्टर प्रेमलता सोनी अपने घर पर निजी प्रैक्टिस में जुटी हुई है। आखिर क्यों जिला प्रशासन इनके ऊपर इतनी मेहरबानी किए हुए है? एक तरफ जहाँ मृतक सपना का पति मृतक सपना के मृत्यु प्रमाण के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, वहीं सिविल अस्पताल के कोई भी पदस्थ डॉक्टर किसी भी प्रकार का कोई जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कब प्रशासन जागेगा और इस तरह के लापरवाह लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी? खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।